कई वर्षों पहले रावण जब विमान पर विचरण कर रहा था तब उसने ऋषि कन्या को देखा था और उस पर मोहित हो गया। वही दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि माता सीता का जन्म क्यों हुआ, किस कारण हुआ और किस रूप में हुआ। समाया हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन, मन में उसी का ध्यान रहता है। मैं खुशध्वज विधि की कन्या, जब से मेरे पिता ने यह संकल्प लिया है कि मेरे पति भगवान विष्णु हो गए, तब से मैंने उनके चरणों में लौट लाई हुई है। परंतु मेरे प्यारे ने अभी तक मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाली। कौन कब तलक स्वामी मिलेंगे जान कर और इस सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर, कब तक यूं ही गिरों की भूख रेखा दी हुई प्रेम और संताप से जीवन को बिसराती हूँ। विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, बड़ी ही हिटारी के साथ चित्त पे प्रभाव डाल रहे हैं। यदि यदि इतने सारे आकर्षण एक साथ एक ही जगह एकत्र हो जाए तो क्यों ना किसी ज्ञानी का ज्ञान का आधार कहलाया है।
अपना पति मान लिया, मैं उनसे अपना कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है, ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया मेरे हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है, ये पार उतरेगी साधन पर। मरु इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में मरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है, अभी तू अपने जीवन का तथ्य खो रही है। परंतु याद रख, जीवन की बहार बार बार लौट कर नहीं आया करती। यदि एक बार ये चली गई तो आज के दिन को तू याद करके रोएगी, रोएगी, तू पाएगी। जलाकर भस्म कर देगी ये
रावण आपने देह त्याग।